आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। मुरारी ब्रदर्स ऑफ मद्रास ओपन अ ब्रांच एट अलीगढ़ 1 अप्रैल 2014। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर अलीगढ़ ब्रांच अकाउंट। आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है, जो बैलेंस दिया हुआ है, आपको उससे ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। इन द बुक्स ऑफ मुरारी ब्रदर्स, मुरारी ब्रदर्स के यहाँ, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड 2016। ईयर जो इनका समाप्त होता है 15 और 16 में अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले कॉलम तैयार कर लेना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। गुड सेंड किया गया है अलीगढ़ ब्रांच को, 14-15 दिया है, 15-16 मतलब 2 साल का दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, दो ईयर से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कैश सेल, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश पेड बाय ब्रांच, कैरियज, पिटी एक्सपेंसेस, स्टॉक ऑन 31 मार्च, पिटी कैश 31 मार्च, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले हम बताएंगे 14-15 का। आपको सॉल्व कराना चाहे तो हम दोनों इकट्ठा ही एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, हमें बताना है हमें अच्छे से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से आपको समझ में कैसे आएगा। इसीलिए मैंने 2 कॉलम पहले से तैयार कर रखे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है यहाँ पर सबसे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम क्या है? हेड ऑफिस का नाम है मुरारी ब्रदर्स ऑफ मद्रास, मुरारी ब्रदर्स ऑफ मद्रास। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कौन सी ब्रांच का अकाउंट बनाए रहे हैं हम लोग? अलीगढ़ ब्रांच अकाउंट। पहले आपको किसका बताएंगे? पहले आपको हम 14 और 15 का बताएंगे, ठीक है। यहां पर अलीगढ़ ब्रांच यहां पर भी लिखना है, 15 और 16 का बाद में बताएंगे दूसरे नंबर पे, ठीक है, इसी क्लास में ही बताएंगे। आपको सबसे पहले देखना है गुड्स सेंड टू अलीगढ़ ब्रांच। आपको 14-15 के इंफॉर्मेशन को ही देखना है पहले। इन्होंने गुड्स जो सेंड किया है, गुड्स सेंट टू अलीगढ़ ब्रांच, कितने का गुड सेंड किया गया है? 1 लाख। 1 लाख रुपीस का गुड सेंड किया गया। मैंने आपको बताया जो सेंड किया जाएगा उसको डेबिट में रखना है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कैश एक्सपेंसेस लिख दिया है, कैश अकाउंट डेबिट में लिख देना है आपको, ब्रेकेट में एक्सपेंसेस। आपको ध्यान देना है कैश के स्थान पर आप बैंक शब्द का यूज भी कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बैंक भी लिख सकते हैं। इसमें दिया गया है रेंट 1200, सैलरी 6000, एडवर्टीजमेंट 600। मतलब कि कैश दिया गया है ब्रांच को, अलीगढ़ ब्रांच को हेड ऑफिस ने दे दिया। रेंट पर 1200 एक्सपेंसेस कर देना, सैलरी पर 6000 एक्सपेंसेस कर देना है, एडवर्टीजमेंट पर 600। आपको इसको ऐड कर लेना है, 6000 1000 7000 7800 हमारा टोटल कैश है। सिर्फ 14-15 का भी हम देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है
कैश सेल एड ब्रांच, कैश सेल एड ब्रांच, ब्रांच ने कैश की जो सीलिंग की है 1,20,000 क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट है आगे, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच क्वेश्चन मार्क, ब्रांच से जो कैश रिसीव होगा उसी को यहां पर लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख लो, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच अभी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सेल किया 1,20,000 सेलिंग की है बता दिया, लेकिन कितना सेंड किया यह नहीं बताया। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैरेज पर 200 पेमेंट कर दिया है, पीटी एक्सपेंसेस 300 कर दिया है ब्रांच ने अपनी तरफ से अलग से, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 20,000, क्लोजिंग पीटी कैश दिया है 200। आपको ध्यान देना है जो 31 मार्च को दिया रहता है क्या है हमारा क्लोजिंग, इसके लिए हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब यहां पर स्टॉक क्वेश्चन में 20,000 दे दिया है, स्टॉक 20,000 और पीटी कैश कितना दे दिया हुआ है 200 का, 20,200, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या पता करना है, वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस को ब्रांच से कितना कैश रिसीव्ड हुआ, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। कैश सेल, ब्रांच ने 1,20,000 रुपीज का कैश सेल किया, कैश सेल का मतलब नकद बेचा, ठीक है। इसमें से आपको लिस्ट कर देना है क्या ब्रांच ने इसके अलावा खर्च किया है कैरेज पर 200, कैरेज पर कितना 200, पीटी एक्सपेंसेस पर अपने आप से खर्च कर दिया कितना 300। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में पीटी कैश अपने पास बचा भी रहा है, कितना कितना बचा रहा है 200, क्योंकि शुरू में कोई पीटी कैश था नहीं, 200 बचा ले रहा है क्लोजिंग पीटी, आपको ध्यान देना इसमें क्लोजिंग पीटी कैश 200 बचा ले रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, 1,20,000 का सेल किया, सेल करने के बाद कैरेज कितना दिया 200 अपने तरफ से दिया है, देखो अपनी खुद भी अलग से दिया इसके लिए कैरेज, 300 किसका दिया 300 दिया है पीटी एक्सपेंसेस, क्लोजिंग के लिए पीटी कैश कितना दे दिया, क्लोजिंग के लिए पीटी कैश दिया है 200 का, बचा हुआ है बचा लिया, मतलब सेलिंग किया इतना, इतना तो खर्च कर दिया इतना बचा लिया, तो कितना हो जाएगा ऐड कर लेंगे 700, 1,19,300 भेजेगा, 1,19,300 भेज देगा, कहाँ पर भेज देगा हेड ऑफिस के पास भेज देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, एक बार फिर से समझ लीजिए, तो आंसर आ जाएगा, सेंड किया कैश सेंड किया इसको लिखा मैंने, जो ब्रांच ने भेजा हुआ है ब्रांच के पास कितना पैसा आएगा 1,19,300, क्यों आएगा ऐसा भाई, 1,20,000 का सेल किया, 200 का कैरेज, 300 का पीटी एक्सपेंसेस, पीटी क्लोजिंग बचा लिया अपने पास फुटकर खर्चों के लिए 200 रुपया जो बचा लिया उसी को माइनस कर दिया मैंने, 700 उसके पास है, मतलब ये खर्च किया है बचा लिया है 1,19,300। आपको ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, आपको क्या करना है 1,19,300 क्रेडिट में प्लस 20,200 क्रेडिट में 1,39,500, 1,00,000 क्रेडिट में है 39,500, ये सब माइनस कर लो टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस 1,00,000 माइनस 7,800, 31,000
700 आपके बुक में आंसर जो दिया है इसको आप चेक कर सकते हैं, हमारी बुक में आंसर दिया है 31,700। एनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, कैश सेल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, जो हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा वही लिखे जाएगा। और जो जो कैरेज 200 अलग से खर्चा किया वो ब्रांच ने खर्चा किया है उसको यहाँ पर काट दिया गया है, इसको डेबिट में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए आप 15-16 में, अलीगढ़ ब्रांच जो भी है ये 14-15 का था, वो 15-16 में जो 14-15 में क्लोजिंग है, ये देखो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग दिख रहा है आपको, ये 15-16 में ओपनिंग हो जाएगा, बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो यहाँ पर क्लोजिंग है वो अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा स्टॉक, स्टॉक का 20,000। पीटी कैश कितना 200, 20,200। मतलब कि जो पिछले ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में हमारा क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर में गुड्स कितने का सप्लाई किया गया है, 1,20,000 टू गुड्स सेंट। कितने का सप्लाई किया गया है अलीगढ़ ब्रांच को, 1,20,000 रुपये का सेंट किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1,00,000 का था वहाँ पर 1,20,000 का। कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ सेम वही है, सेम वही है जो पिछले साल था। इसके लिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रेकेट में एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ब्रांच को खर्च करने के लिए भी पैसा पेमेंट कर रही है। क्या क्या पेमेंट कर रही है देखते चलिए। वही पैसा है रेंट के लिए 1,200, सैलरी के लिए 6,000, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के लिए 600, यहां पर हो जाएगा 7,800। वही है जो पहले में था वही दूसरे साल भी। मतलब कि ओपन जो यहां क्लोजिंग, यहां ओपनिंग हो जाएगा, सेंड किया गया, उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया पैसा। उसके बाद इसमें कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 1,65,000 दिया है, पिछले में नहीं दिया था 1,65,000। कैश रिसीव फ्रॉम, सॉरी कैश सेल दिया है 1,65,000, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 1,64,500, 64,500। क्यों ऐसा हुआ, बेचा गया है 1,65,000 रुपए का, 1,65,000 रुपए में क्या कर दिया गया, 500 कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया होगा भाई, खर्च किया होगा, नीचे खर्च किया है, खर्च भी किया होगा अपने आप से। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, याद ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ही लिखा जाएगा, कैश सेल नहीं लिखेंगे, नहीं दिया है निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने 250 पेड किया, 400 पीटी एक्सपेंसेस पर पेड किया, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद कितना दिया है, क्लोजिंग दिया है बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरी डाउन, स्टॉक पीटी कैश। पीटी कैश के सामने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो आपको स्टॉक के सामने तो दे दिया 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीटी एक्सपेंसेस क्या है, क्लोजिंग हमारा क्या हुआ है, क्लोजिंग हमारा क्या हुआ है, ये कैसे आएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए। आपको ध्यान देना है पीटी कैश कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग का आपके लिए थोड़ी समस्या का सबब बन सकता है पीटी कैश निकालना। आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ पीटी कैश, कौन सा पीटी कैश, क्लोजिंग का पीटी कैश, क्लोजिंग का पीटी कैश। मतलब कि छोटे छोटे खर्चों के लिए जो कैश बचा है कितने का है। तो कुछ नहीं क्या करना है, आपको ध्यान देना है कितने का सेल किया था इन्होंने, कैश सेल किया था 1,65,000 था, ये कैश था किसके पास, ब्रांच के पास। प्लस करेंगे, इसी में प्लस कर दीजिए ओपनिंग पीटी कैश, पहले से कितना था 200 रुपया। ध्यान दीजिए भाई, 1,65,000 का कैश सेल किया
उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ओपनिंग का पीटी कैश कितना था, ओपनिंग का पीटी कैश 200 था कि नहीं था, ये वाला टोटल ब्रांच के पास कितना पैसा था, 1,65,200। ब्रांच ने कहां कहां पर दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पेमेंट कर दिया, ब्रांच ने 1,64,500 पेड कर दिया। उसके बाद ब्रांच ने कैरेज पर एक्सपेंसेस किया है, कैरेज पर एक्सपेंसेस किया है और पीटी एक्सपेंसेस किया है, पीटी कैरेज पर कितना 200, पीटी एक्सपेंसेस कितना 450, यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 400, 650। इसको एडलेस करते हैं, इसको एडलेस कैसे करते हैं, 1,65,200 माइनस 1,64,500 माइनस 650, हमारा क्लोजिंग पीटी कैश कितने का आ गया, 50 रुपये का। ऐसे मैंने नहीं लाया, 30,050 कैसे लाया, ध्यान दीजिएगा, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है चीज। पता करना है कितने का बचा है पीटी कैश, पहले पता करने पड़ेगा ब्रांच के पास कितना कैश था। भाई नकद भेजा 1,65,000 रुपये का कैश में बेचा है, पहले से उसके पास 200 रुपया था, टोटल 1,65,200, 1,64,500 किसको दे दिया, 1,64,500 किसको दे दिया, ब्रांच हेड ऑफिस को दे दिया। 200 अलग से खर्च किया कैरेज के लिए, 400 अलग से खर्च किया पीटी कैश के लिए, बचा कितना 50 रुपया, जो बचा है उसी को दिखाना है। अब क्या कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कैलकुलेट कर लेना है, प्रॉफिट लॉस आपका आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस 1,64,500 प्लस 30,050, 1,94,550, 1,94,550 माइनस कर दो, आएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, माइनस 20,200 माइनस 1,20,000 माइनस 7,800 46,550। क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 46,550। आपके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर से इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए और फिर से पूरा वीडियो देख लीजिए। अब आपको के लिए लेकर आ रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।